एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपके लाई हूँ आयुर हर्बल्स का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कीजिए। घर आप चाहें तो कोई भी मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये आयुर की जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये बहुत ही अच्छी होती है। आयुर के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, हम इन पर आँख मूंद के भरोसा कर सकते हैं। मैं आयुर के प्रोडक्ट्स मेरे पास काफ़ी सारे रखे हैं, इसके कई सारे पैक भी रखे हैं, नीम का, चंदन का, तो ये और पपाया का। तो ये जो फेस पैक होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और स्किन से तेल निकलता है, या फिर आप धूप में जाते हैं और समर में, तो ये जो फेस पैक है ये बहुत ही बढ़िया रहता है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। अगर आपके पिंपल्स भी हैं स्किन पर और कोई एलर्जी टाइप है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये जो पैक है मेरे पास, ये 30 रुपीज़ का है और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम, और ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। इस तरीके का पैक आता है इसमें 100 ग्राम का ये, और इसमें अभी ये कुछ ऑफ़र मिला हुआ है कि आयुर का गुलाब जल भी इसके साथ फ्री मिला हुआ है, तो आप इसको इजीली ले सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया फेस पैक है। आगे मैं आपको इसका पूरा डेमो दूंगी, आपको इसको कैसे यूज़ करना है। तो ये आयुर हर्बल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप अपनी स्किन में इम्प्रूव चाहते हैं, स्किन को अच्छा टेक्सचर देना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी स्किन का ये ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से मेंटेन करेगा और एक अट्रैक्टिव ब्यूटी देगा आपकी स्किन को। तो इसको आप यूज़ कीजिए फेस मास्क की तरह, और आपकी स्किन बहुत ही रेडिएंट हो जाएगी। आप खुद मतलब खुश होंगे, इसको एक बार इसके यूज़ में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगी। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे बनाना है और कैसे अपने फेस पे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको हमें इस तरीके से ओपन करना है, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है, और इसको थोड़ा सा ही लेना है आपको, क्योंकि इसका थिन पेस्ट लगाना होता है, यानी कि गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट लगाना है। आधी से आधी चम्मच भी ये मेरे पास पेस्ट नहीं है, मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है, क्योंकि पूरे फेस पर अप्लाई अच्छे से हो जाता है। उसके बाद 1 टीस्पून इसमें मैंने गुलाब जल डाला है। इसका बिल्कुल पतला सा पेस्ट बनाइए ताकि आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो जाए। थोड़ा सा गुलाब जल और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, आप कोई सा भी गुलाब जल ले सकते हैं, या फिर गुलाब की पंखुड़ियों को उबालकर वो पानी भी आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको थिन पेस्ट बना लेना है और फिर अपने फेस पर इसको अप्लाई करना है। ये देखिए बिल्कुल पतला सा पेस्ट मैं लगा रही हूँ, इसी से हमारा काम चल जाएगा और बहुत ही स्किन पे मतलब एक तो बहुत ही फ्रेशनेस फील होती है, इसको लगा के बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आपको इसको अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है, और आप देखेंगे कि आप मतलब फ़ील करेंगे अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन, और स्किन में बहुत ही अच्छा फील होता है इसको लगा के। गर्मियों में तो ये फेस पैक बहुत ही बेस्ट है। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तब आप इसके रिजल्ट देखेंगे। जब आपका फेस पैक थोड़ा सा सूखने वाला हो, ये नहीं कि पूरा सूखाने पे आप इसको अप्लाई करें, तो इसको हटाएं। आप इसको धो भी सकते हैं, इस तरीके से रब भी कर सकते हैं। देखिए फेस पर कितना अच्छा चमक आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।